साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोस के अंतर्गत सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग जिसके राइटर एनीस जंगजी हैं, तो यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ये एनीस जंगजी की एक बिग स्टोरी है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्या नेम है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो उसका यहाँ पर एक छोटा सा अंश लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग के रूप में। यहाँ पर जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें मुख्यतः पावर्टी के बारे में बताया गया है, मीन्स गरीबी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ट्रेडिशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, परंपराओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है मुख्यतः ये दो पार्ट में डिवाइड है, मीन्स ये चैप्टर तो एक ही है पर इसमें दो कहानियों का जिक्र किया गया है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें साहिब की कहानी है, मीन्स जो एनीस जंगजी हैं वो साहिब से बात करती हैं, तो पहली कहानी किसकी है, साहिब की है। और इसी चैप्टर में जो दूसरा भाग है, मीन्स इसकी जो दूसरी कहानी है, वो मुकेश की है। तो पहले यहाँ पर हम लोग फर्स्ट स्टोरी देखेंगे साहिब की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, ये साहिब कह रहा है। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, आई फाइंड मैं प्राप्त करता हूँ या मुझे मिल जाता है, ए रुपी मीन्स एक रुपए, इन द गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा या फिर कूड़े के ढेर में, तो कभी कभी कूड़े के ढेर में मुझे एक रुपए मिल जाता है। ये कौन बोल रहा है, साहिब के लिए कहा गया है कि कभी कभी एक रुपए मुझे कूड़े के ढेर से मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहब, होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। तो यहाँ तक का एक साथ अर्थ लेंगे, Why do you do this? Why, क्यों, do you do, तुम ऐसा करते हो, means तुम ऐसा क्यों करते हो। I ask साहिब, मैंने साहब से पूछा, तो यहाँ पर कौन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी राइटर हैं एनीस जंगजी, ये बातचीत कर रही हैं साहब से, तो ये कह रही हैं कि Why do you do this, तुम ऐसा क्यों करते हो। I ask साहब, मैंने साहब से पूछा, whom, जब, आई इनकाउंटर, इनकाउंटर मीन्स होता है आमना सामना होना या मिलते हैं, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्रॉन्गिंग मीन्स खोजते हुए, फॉर गोल्ड सोने को, इन द गार्बेज डम्स कूड़े के ढेर में, डम्स मीन्स होता है ढेर, तो प्रत्येक सुबह जब मैं उसे कूड़े के ढेर में खोजते हुए, क्या खोजते हुए, सोना को खोजते हुए देखती हूँ, ऑफ माई नेबरहुड, अपने पड़ोस में, तो जब प्रत्येक सुबह अपने पड़ोस में उसे मैं सोने को ढूंढते हुए देखती हूँ, तो मैं उससे पूछती हूँ, वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आगे इसमें साहिब का इंट्रो दिया गया है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, कि जो साहब है लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था हिज होम, अपने घर को, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले, कि बहुत पहले ही साहब जो था वो अपने घर को छोड़ चुका था, मीन्स अपने घर को छोड़ करके यहाँ आया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, सेट एडमिस्ट, एडमिस्ट मीन्स होता है के बीच में, तो किसके बीच में, ग्रीन फील्ड मीन्स हरे खेतों के बीच में, ऑफ ढाका, ढाका के, तो जो ढाका है ये बांग्लादेश वाले ढाका की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में, His home is not even a distant memory. His home, उसका जो घर था, is not, वो नहीं है even, कुछ भी, distant means दूर का, memory means याद, तो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में जो वो अपने घर को छोड़कर आया था, उसे उसकी तनिक भी याद नहीं आती थी, means उसकी memory में वो कहीं भी नहीं था। There were many storms that swept away their field and homes. There were many storms. Storms means होता है तूफान, तो कई तूफान आए, दैट जो कि, स्विफ्ट अवे, स्विफ्ट अवे मीन्स होता है बहा ले जाना, जो कि बहा ले गए, देयर फील्ड एंड होम्स, उनके खेतों को और उनके घरों को, तो ढाका की यहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर जो उनके खेत थे और जो उनके घर थे, उन्हें कई तूफान आए और अपने साथ बहा करके ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया था, किसकी माँ ने, साहेब की, साहेब की माँ ने उसे बताया था, दैट्स वाई दे लेफ्ट, कि उन्होंने क्यों छोड़ा, तो यही कारण था कि उन्होंने अपना घर छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड मीन्स सोने की तलाश में, इन द बिग सिटी बड़े शहर में, तो बड़े शहर में सोने की तलाश में वो आ गए, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वो रहते हैं।
I have nothing else to do, he mutters looking away. I have nothing else to do, कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. Nothing else means कुछ भी नहीं है, to do करने के लिए. He mutters, mutters means होता है बड़बड़ाना, तो वह बड़बड़ाया. Looking away, away दूर देखते हुए, तो दूर देखते हुए वह बड़बड़ाता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो यहाँ पर जो पॉइंट है एनी जंग जी ये कह रही हैं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स होता है सहज रूप से कह देना या फिर ऐसे ही कह देना कि स्कूल जाओ, मैंने ऐसे ही कह दिया. रियलाइजिंग इमिडिएटली, इमिडिएटली तुरंत ही, रियलाइज मुझे एहसास हुआ. तो यहाँ पर एनी जंग जी कह रही हैं कि मैंने स्कूल जाओ ऐसे ही कह दिया, पर तुरंत ही मुझे एहसास हुआ. हाउ होलो, होलो मीन्स होता है खोखला, कि कितना खोखला है द एडवाइस, सलाह है. मस्ट साउंड मीन्स जो हमने कहा है. तो स्कूल जाओ मैंने ऐसे ही कह दिया, तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह सलाह कितनी खोखली लगती है. आगे यहाँ पर साहब का आंसर आया है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ट वन आई विल गो. There is no school, कि यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है. In my neighborhood, मेरे पड़ोस में, कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है. When they built one, जब एक का निर्माण होगा, means जब एक का भी निर्माण होगा, I will go, मैं जाऊँगा. तो यहाँ पर साहब ने आंसर दिया कि मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है, जब एक का निर्माण करेंगे तब मैं जाऊँगा. आगे यहाँ पर एनी जंगजी कहती हैं, If I start a school, will you come? I ask half joking. Half joking मिस होता है मजाकिया के लहजे में. तो मजाक के तरीके से यहाँ पर एनी जंगजी कहती हैं, If I start a school, कि यदि मैं एक स्कूल चालू करूँगी, यदि मैं एक विद्यालय चालू करूँगी, Will you come? तो क्या तुम आओगे. इसके बाद यहाँ पर साहेब का आंसर आता है यस, कि हाँ. He says, वह कहता है, स्माइली ब्रॉडली, स्माइली ब्रॉडली मिस होता है बड़ी सी मुस्कान के साथ में. तो बड़ी सी मुस्कान के साथ में वह कहता है हाँ. A few days later, कुछ दिनों के बाद में, लेटर मिस होता है बाद में. आई सी हिम, मैंने उसे देखा. तो कुछ दिनों के बाद में मैंने उसे देखा. रनिंग अप टू मी मीन्स अपनी तरफ भागकर आते हुए. तो कुछ दिनों के बाद में मैंने उसे अपनी तरफ भागकर आते हुए देखा. आगे यहाँ पर साहेब पूछता है, इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका विद्यालय तैयार है. तो साहब भागकर आता है और एनी जंग जी से पूछता है कि क्या आपका विद्यालय तैयार है. It takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer, कि लंबा समय लगता है to build बनाने में a school, एक विद्यालय को. एक विद्यालय को बनाने में लंबा समय लगता है. I say, मैंने कहा. Embarrassed, embarrassed means होता है शर्मिंदगी महसूस करते हुए, लज्जित होते हुए. At having made a promise that was not meant. Having made a promise means एक वादा की किया था मैंने, दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था. तो यहाँ पर एनी जंग जी कहती हैं कि एक वादा किया था मैंने जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे किए गए वादों से. अबाउंड मिस होता है भरा हुआ है या भरपूर मात्रा में है. इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोना. ऑफ इज ब्लीक वर्ड, ब्लीक वर्ड मिस होगा अंधेरी दुनिया. तो मेरे जैसे किए गए वादों से उसकी अंधेरी दुनिया भरी पड़ी हुई है. After month of knowing him, कि कुछ महीने उसे जानने के बाद. I ask his name, मैंने उससे उसका नाम पूछा. तो एनी जंग जी कहती हैं कि कुछ महीने उसे जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहेब ए आलम, he announced means उसने घोषणा की. announce means होता है घोषणा करना या बताना. तो साहेब ए आलम उसने बताया. आगे बताया गया है, he does not know, वह नहीं जानता था. what it means, इसका क्या मतलब है. तो यहाँ पर एनी जंगजी कह रही है कि वह यह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है. मीन्स साहेब अपने नाम का अर्थ नहीं जानता था. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता. मीन्स अपने नाम का अर्थ जानता. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड मीन्स होता है गॉड, मीन्स भगवान होना. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड का, इस संसार का मालिक. ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर
विश्वास करने में लंबा समय लगता या बड़ी मुश्किल से विश्वास हो पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर मीन्स जानकार न होना, मीन्स उसे जानकारी नहीं थी व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट कि उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है। ही रूम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, रूम्स मीन्स होगा घूमना, विद हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ में, वह अपने दोस्तों के साथ में गलियों में घूमता है। आगे यहाँ पर उसके दोस्तों के बारे में बताया गया है, एन आर्मी की एक सेना है, ऑफ बेयर फुट बॉयज मीन्स नंगे पैरों वाले लड़कों की, तो नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना है। Who appear like the morning bird and disappear at noon. Who appear, appear means होता है दिखाई देना, जो दिखाई देते हैं like the morning bird. Morning bird means होगा सुबह के पक्षियों की तरह, जो सुबह पक्षियों की तरह, सुबह चिड़िया की तरह दिखाई देते हैं। And disappear, disappear means होता है गायब हो जाना, और गायब हो जाते हैं at noon. Noon means होता है दोपहर में, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो उसकी एक नंगे पैरों वाले बच्चों की सेना है जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है। आगे बताया गया है, ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ओवर द मंथ्स आई हैव कम की कई महीनों से आई हूँ, टू रिकॉग्नाइज इसलिए पहचान लेती हूँ, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, ईच ऑफ देम मीन्स उनमें से सभी को। तो यहाँ पर एनी जंगजी कहती है कि मैं कई महीनों से आई हूँ इसलिए उनमें से सभी को मैं पहचानती हूँ। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन मैंने एक से पूछा, वाई आर यू नॉट वियरिंग, वियरिंग माने पहनना, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो आंसर आया माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है ताकि, आंसर सिंपली उसने साधारणता ही जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ कि मेरी माँ ने उसे ताक से नीचे नहीं उतारा, ही आंसर सिंपली उसने सरलता से सहजता से जवाब दिया। आगे बताया गया है, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इवन अगर यदि, इफ सी डिड उसने ऐसा किया भी होता मीन्स उसकी माँ ने चप्पल उतार भी दिए होते, ही विल थ्रो देम ऑफ तो वह उसे फेंक देगा। तो यहाँ पर बॉयस कहता है कि यदि उसकी माँ ने ऐसा किया भी होता मीन्स चप्पलें उतार भी दी होती तो वह उसे फेंक देता। एट्स एनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एट्स एनदर और जो अन्य उसमें से जो एक लड़का था हु इज वियरिंग जिसने पहन रखे थे शूज जूतों को, एक और लड़का था जिसने जूतों को पहन रखा था, दैट्स डू नॉट मैच जो मेल नहीं खा रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, कमेंट मीन्स होता है टिप्पणी करना, तो जब मैं उस पे कमेंट करती हूँ मैं से टिप्पणी करती हूँ, ही शफल्स हिज फीट, शफल्स मीन्स होता है हिलाना फीट पैरों को, तब वह अपने पैरों को हिलाता है, एंड सेज और कहता है नथिंग कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज से ए थर्ड बॉय कि एक तीसरे लड़के ने कहा, आई वॉन्ट शूज मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life कि अपने पूरे जीवन में, Who has never owned जिसने नहीं पहने थे a pair मतलब एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने थे, तो जिसने अपने संपूर्ण जीवन में एक भी जोड़ी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on village roads. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री मीन्स देश भर की यात्रा करते हुए, आई हैव सीन मैंने देखा चिल्ड्रेन बच्चों को वॉकिंग टहलते हुए बेयरफुट नंगे पैर इन सिटीज शहरों में ऑन विलेज रोड्स और गांवों की सड़कों पर, तो देश भर की यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को शहरों में और गांवों की सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा है। इज वन एक्सप्लेनेशन मीन्स यह एक व्याख्यान है, आई वंडर मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, आई वंडर मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन मीन्स होता है बहाना बनाना, अवे दूर करना, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की एक स्थायी स्थिति को, तो मैं सोचती हूँ कि यह गरीबी की एक स्थायी स्थिति को दूर करने का एक बहाना मात्र है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उद्दीपी वंस टोल्ड मी, आई रिमेम्बर ए स्टोरी मुझे एक कहानी याद आती है
ए मैन फ्रॉम उद्दीपी, जो उद्दीपी के एक व्यक्ति ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे कही थी। तो मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्दीपी के एक व्यक्ति ने मुझसे कही थी। एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट ऑन ए टेम्पल, तो एक पुराने मंदिर के सामने से गुजरते हुए वह स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी, तो जहाँ पर उसके पिताजी जो थे वो पुजारी थे, तो वहाँ पर उसके पिता क्या थे, वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वह कुछ समय के लिए, ब्रीफली संक्षिप्त मीन्स कुछ समय के लिए, मंदिर में रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और प्रार्थना करता था, पेयर ऑफ शूज, पेयर्स ऑफ शूज मीन्स होता है एक जोड़ी जूते के लिए, और एक जोड़ी जूते के लिए वह प्रार्थना करता था। आगे राइटर बताते हैं, 30 years old, 30 सालों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस शहर की यात्रा की, एंड द टेम्पल, और मंदिर को देखना चाहा, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड, जो अब क्या हो चुका था, ड्रॉन्ड हो चुका था मीन्स पानी में डूब चुका था। इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, इन द एयर ऑफ डिसोलेशन मीन्स होता है हवा में उजाड़ आ जाना या फिर निर्जनता आ जाना। तो राइटर कहती है कि 30 सालों बाद जब मैंने उस शहर की यात्रा की और मंदिर को देखना चाहा, तो मैंने पाया कि वह हवा में कहीं खो चुका था। इन द बैकयार्ड, पीछे के आंगन में, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, जहां पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ए यंग बॉय, एक जवान लड़का था, ड्रेस्ड ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिसमें सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, सफेद रंग के पोशाक पहने हुए थे। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और जुराब पहन रखे थे, जुराब जिसे हम लोग साधारण भाषा में मोजे भी कहते हैं, तो जिसने जूते और जुराब पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, पेंटिंग मीन्स होता है हाफते हुए, कि हाफते हुए वह आया। थ्रू मीन्स होता है फेंक देना, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को, ऑन द फोल्डिंग बेड मीन्स ऐसे बेड पर जो फोल्ड होता है, तो वह हाफते हुए आया और उसने अपने स्कूल बैग को बिस्तर पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेम्बर, मैंने याद किया, द प्रेयर अनदर बॉय, दूसरे लड़के की जो प्रार्थना थी, तो उस लड़के को देखते हुए मैंने दूसरे लड़के की जो प्रार्थना थी उसे याद किया। हैड मेड टू गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, तो आखिरकार उसे जूते की एक जोड़ी मिल ही गई थी। लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इन्हें कभी न खोऊं, द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि जो देवी थी उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। ग्रांटेड मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, कि देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वोर शूज, यंग बॉय जो छोटे लड़के थे, लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट मीन्स पुजारी के लड़के की तरह, नाउ अब वोर पहनने लगे थे शूज, जूते को, तो जो छोटे लड़के थे वो भी पुजारी के लड़के की तरह जूते पहनने लगे थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, बट लेकिन मेनी अदर्स, जो अन्य थे, लाइक की तरह, रैग पिकर्स कूड़ा बिनने वालों की तरह, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में, लेकिन जो मेरे पड़ोस में अन्य कूड़ा बिनने वालों की तरह थे, रिमेन शूजलेस, वे अब भी बिना जूतों के हैं। माई एक्वेंटेंसेस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, माई एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचय, कि मेरा परिचय विद द बेयरफुट, बेयरफुट नंगे पैरों वालों के साथ में, रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा बिनने वालों के साथ में, लीड्स मीन मुझे ले जाता है टू सीमापुरी, सीमापुरी की ओर, तो मेरा परिचय मुझे नंगे पैर और कूड़ा बिनने वालों के साथ में सीमापुरी की ओर ले जाता है। आगे यहाँ पर सीमापुरी का परिचय बताया गया है, ए प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मीन्स होता है बाहरी सीमा पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, तो सीमापुरी जो है ये दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन यह इससे दूर है, मेटाफोरिकली मीन्स होता है लाक्षणिक तौर पर, तो ये मेटाफोरिकली जो है ऊपर वाली लाइन के लिए यूज किया गया है, कि जो मेरा परिचय है वो लाक्षणिक तौर पर मुझे नंगे पैरों वाले और कूड़ा बिनने वालों के साथ में सीमापुरी की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं, दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, कि जो यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है, स्क्वैटर्स हैं, स्क्वैटर्स मीन्स
मिस होता है गैर कानूनी तौर पर बसने वाले या अनधिकृत बसने वाले। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है, अनाधिकृत हैं। वो केम जो आए थे फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से बैक इन 1971 तो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए थे। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अनाधिकृत हैं और वो बांग्लादेश से 1971 में वापस आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, कि साहिब का जो परिवार है वो उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है वो तब था, क्या था, वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मीन्स होता है जंगल। तो सीमापुरी जो है वो तब जंगल था। इट स्टिल इज, यह अब भी है, बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, ये बहुत अधिक खाली नहीं है। एम्प्टी मीन्स होता है खाली होना। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मीन्स होता है मिट्टी के, स्ट्रक्चर्स मीन्स घर या घिरौंदे बने होना। तो यहाँ पर मिट्टी के घर या घिरौंदे बने हैं। विद रूप्स ऑफ टिन एंड टर्बियन, जिन पर क्या है, टिन की और त्रिपाल जो है उनकी छत बनी हुई है। डिवाइड ऑफ सीवेज, सीवेज मीन्स होता है मल निकासी। डिवाइड मीन्स होता है के बिना की, मल निकासी के बिना। ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मीन्स होगा गंदे पानी की जो नलियां हैं या फिर जो पेयजल है। तो यहाँ पर लोग रहते हैं वे मल निकास और गंदे पानी की नलियों से अर्थात पेयजल से क्या है, वो वंचित हैं। के बिना होने का मतलब है उससे वंचित हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, की यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले हैं। आगे कहा गया है दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी विदाउट परमिट्स। दे हैव लिव्ड हेयर, कि ये यहाँ पर रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर, की 30 सालों से अधिक से ये लोग यहाँ पर रहते हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के। तो ये लोग यहाँ पर 30 सालों से अधिक सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के और बिना किसी आज्ञा के। बट लेकिन विद राशन कार्ड, लेकिन जो राशन कार्ड है उसके द्वारा दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, कि जो इनका नाम है वो वोटर लिस्ट में आ जाता है, मीन्स मतदाता सूची में इनका नाम आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, और ये इससे अनाज खरीद सकते हैं, मीन्स राशन कार्ड के द्वारा ये अनाज को खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, तो फूड जो भोजन है वो मोर इम्पॉर्टेंट, वो अधिक महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी मीन्स किसी पहचान के। तो जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है बिना किसी पहचान के, मीन्स पहचान उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फील अवर families and go to bed without an aching stomach, we would rather lie here than in the field that gave us no grain. तो यहाँ पर कहा गया है if at the end of the day, end of the day means दिन के अंत में, कि अगर दिन के अंत में we can feed, हम खिला सकते हैं our families, अपने परिवार को, कि दिन के अंत में यदि हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं and go to bed, और बिस्तर पर जा सकते हैं without an aching stomach, बिना किसी पेट में दर्द के। मीन्स क्या होता है, जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा पेट जो है वो दर्द किया करता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार वालों को भोजन खिला सकते हैं और उनके बिना किसी पेट में दर्द के बिस्तर पर जा सकते हैं, वी वुड रैदर लाइव, तो हम अधिक जीवित रहेंगे, लाइव जीवित रहना, हेयर हम यहाँ पर अधिक जीवित रहेंगे, देन इन द फील्ड उन खेतों की तुलना में, दैट जो कि गेव अस जो हमें देते हैं, नो नहीं, ग्रेन अनाज जो हमें अनाज नहीं देते हैं, मीन्स जो खेत हम बांग्लादेश में छोड़ के आए हैं उनकी तुलना में हम यहाँ पर ज़्यादा जीवित रहेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन, महिलाओं का एक समूह कहता है इन टैटर्ड साड़ीज, जो कि फटकार होकर के तार तार हुई साड़ियों में हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल एंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने सुंदर और हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ा, तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ा, तो महिलाओं का एक समूह कहता है कि अगर हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, पेट में दर्द के बिना बिस्तर पर जा सकते हैं, तो हम उन खेतों की तुलना में अधिक दिन तक जीवित रहेंगे जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया है। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं पर भी उनको खाना मिलता, दे पिच, पिच मीन्स होता है गाड़ देना, देयर टेंट, वे अपने टेंट को गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांसिट,
परमानेंट होम्स, ट्रांजिट मीन्स होता है अस्थाई, जो उनका क्या होता है अस्थाई घर होता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स मीन्स होता है सहयोगी होना, इन सर्वाइवल और जीविका में सहयोगी होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में रहने का मतलब है, मीन्स रैग पैकिंग, रैग पैकिंग मीन्स कूड़ा बिनना, तो सीमापुरी में रहने का मतलब है कूड़ा बिनना। थ्रू द ईयर्स, सालों के माध्यम से इट हैज एक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया है, एक्वायर्ड मीन्स होता है हासिल कर लेना या प्राप्त कर लेना। दैट प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस एक अनुपात को, ऑफ ए फाइन आर्ट मीन्स अच्छी कला के, तो वर्षों के माध्यम से यह कूड़ा बिनना जो है इसकी बात किया जा रहा है कि वर्षों के माध्यम से इसने एक अच्छी कला के अनुपात को प्राप्त कर लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम की उनके लिए जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो गोल्ड है, वो सोना है, कि उनके लिए जो कचरा है वो क्या है, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड या इनके रोज की रोटी है, तो यही इनकी रोज की क्या है, रोटी है, मीन्स उसी से वो पैसा कमाते हैं, उसके बाद अपना वो रोटी खाते हैं, तो यही इनके लिए रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके हेड्स, उनके सर पे एक छत है, यही उनके लिए उनके सर पर क्या है, एक छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, लीकिंग मीन्स होता है टपकती हुई, भले ही वह टपकती हुई है, बट लेकिन फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, यह भी अधिक है, लेकिन एक बच्चे के लिए यह भी अधिक है। आगे देखते हैं, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, तो साहब से, साहब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप मीन्स चमकती हुई आंखों से, उसकी आंखें जो हैं चमकती हुई हैं, तो साहब कहता है आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन, जब यू कैन फाइंड ए सिल्वर क्वाइन, जब आप एक चांदी का सिक्का पा सकते हैं, क्वाइन मीन्स होता है सिक्का, जब आप चांदी का सिक्का पा सकते हैं इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप मीन्स होता है ढेर, गार्बेज मीन्स होता है कूड़े के, जब आप कूड़े के ढेर से एक चांदी का सिक्का पा सकते हैं, यू डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तब आप जो है खोजना बंद नहीं करेंगे, फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तब आपके अंदर एक फाइंडिंग मोर मीन्स और अधिक खोजने की जो उम्मीद है वो बनी रहती है, क्योंकि अधिक मिलने की जो उम्मीद है वो बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीनिंग टू देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पर कहा गया है इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट फॉर चिल्ड्रेन, की बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, कि जो कूड़ा है इसका एक अलग अर्थ है, किससे अलग है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि इनके माता पिता के लिए जो कूड़े का मतलब है, इससे बच्चों के लिए कूड़े का जो मतलब है वो अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लिपटा हुआ या ढका हुआ, इन वंडर आश्चर्य से, तो बच्चों के लिए यह एक आश्चर्य से ढका हुआ या आश्चर्य से लिपटा हुआ है, क्या, गार्बेज, कि बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ है आश्चर्य से ढका हुआ, क्योंकि वो उसमें जितना खोजेंगे उन्हें एक से एक चीजें मिलती रहेंगी। फॉर द एल्डर्स, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि बड़ों के लिए इसका मतलब है जीवित रहने का साधन, तो बच्चों के लिए इसका मतलब है कि आश्चर्य से भरा हुआ, लेकिन जो बड़े हैं इसके लिए कूड़े का मतलब है जीविका का साधन। आगे कहा गया है, वन विंटर मॉर्निंग, की एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, कि पड़ोस के क्लब के जो फेंस्ड गेट है उसके पास में खड़े हुए साहब को मैं देखती हूँ, वॉचिंग टू यंग मैन, जो क्या कर रहा है, वॉचिंग जो देख रहा है, टू यंग मैन, दो नौ युवकों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, प्लेइंग टेनिस मिस टेनिस खेलते हुए, तो वह दो नौ युवकों को टेनिस खेलते हुए देखता है जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आई लाइक द गेम, कि मुझे यह खेल पसंद है, ही हम्स, हम्स मिस होता है बड़बड़ाना, ही हम्स, वह बड़बड़ाता है, कंटेंट टू वॉच मिस देखते हुए, इट स्टैंडिंग खड़े होकर के बिहाइंड द फेंस मीन्स फेंस के पीछे, तो फेंस के पीछे खड़े होकर के देखते हुए वह कहता है कि यह खेल मुझे पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन, जब नो वन इज अराउंड,
अराउंड जब आसपास कोई नहीं होता है, मीन्स जब आसपास कोई नहीं होता है तब मैं अंदर जाता हूँ। ही एडमिस्ट, वह मानता है, एडमिस्ट मीन्स मानता है। द गेट कीपर की द्वार पाल लेट्स मी यूज़, वो मुझे प्रयोग करने देते हैं द स्विंग झूले का, कि वह मानता है कि जो द्वारपाल है वह उसे झूले का उपयोग करने देता है। आगे देखते हैं, साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, यानी साहब ने भी, वियरिंग मीन्स होता है पहन रखा है, टेनिस शूज मीन्स टेनिस के जूते, तो साहेब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं। दैट्स लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो दिखाई देते हैं या लगते हैं, स्ट्रेंज मीन्स होगा अजीब, जो अजीब दिखाई देता है उसके डिस्कलर्ड शर्ट पे, डिस्कलर्ड मीन्स होगा यहाँ पर फीकी, उसकी फीकी कमीज और शॉर्ट्स पर अजीब लगते हैं। Someone gave them to me, he says in the manners of explanation. He says, उसने कहा, means यहाँ पर साहिब कह रहा है, in the manners of explanation means स्पष्टीकरण देने के तरीके से कहा, तो साहब ने ऐसे कहा जैसे कि वह सफाई दे रहा है, स्पष्टीकरण के तौर पर उसने कहा। Someone gave them to me, कि किसी ने उन्हें मुझे दिया है, किन की बात यहाँ पर की जा रही है, शूज की, जूतों की बात की जा रही है। आगे कहा गया है, the fact that they are discarded shoes of some rich बॉय, किस सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज मिस होगा छोड़े हुए जूते हैं, तो ये तथ्य है, फैक्ट मिस होता है सच या फिर तथ्य, तो ये तथ्य है कि ये किसी अमीर लड़के के छोड़े गए जूते हैं। हु परहैप्स, परहैप्स मिस होता है शायद, रिफ्यूज्ड टू वेयर, जिसने इन्हें पहनने से मना कर दिया, मिस उसने पहनना इन्हें छोड़ दिया है, बिकॉज क्योंकि ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया है। आगे कहा गया है, डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज walked barefoot, who has walked barefoot, जो लोग नंगे पैर चलते हैं, does not bother him, वह उन्हें परेशान नहीं करता है, तो means यहाँ पर छेद की बात की जा रही है, कि जो लोग नंगे पैर चलते हैं उनको छेद वाला जो जूता है वो परेशान नहीं करता है। Even shoes with a hole is a dream come true, even कि मुख्यतः जो shoes with a hole की जो छेद वाला जो जूता है is a dream come true, कि जैसे सपना सच होने के जैसा है, तो उनके लिए जो छेद वाला जूता है उसका मिलना सपने के सच होने जैसा है। बट द गेम, लेकिन जो खेल है, ही इज वॉचिंग, जिसे वह देख रहा है, लेकिन वह खेल जिसे वो देख रहा है, कौन देख रहा है, जिसे साहेब देख रहा है, सो इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स बहुत ही गौर से, तो लेकिन वह खेल जिसे साहब अत्यधिक गौर से देख रहा है इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर है। आगे बताया गया है, दिस मॉर्निंग की आज सुबह साहेब इज वन हिज वे टू मिल्क बोथ, मीन्स साहेब दूध लेने जा रहा था, इन हिज हैंड उसके हाथों में ए स्टील कंसिस्टर, स्टील कंसिस्टर मीन्स स्टील का एक जाल था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज कि उसने कहा, मीन्स साहब ने कहा कि आई नाउ वर्क, कि अब मैं काम करता हूँ टी स्टॉल में डाउन द रोड, सड़क के किनारे या सड़क के नीचे, तो सड़क के नीचे एक चाय की दुकान में अब मैं काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस मीन्स उसने कहा, ऐसा इशारा करते हुए, एक दूरी की ओर इशारा करते हुए साहब ने कहा, आई एम पेड 800 रुपीज, की मुझे 800 रुपए मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और जो मेरा भोजन है वो भी, मीन्स उसे 800 रुपए मिलते हैं और उसके भोजन का भुगतान भी मिलता है। इस कहानी का जो लास्ट पैराग्राफ है वो है, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क कि मैंने पूछा, तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैंने पूछा, डज ही लाइक द जॉब, कि क्या उसे यह नौकरी पसंद है। इसी मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर फ्री मतलब होता है चिंता मुक्त होना, चिंता मुक्त जो होना उसे बोलते हैं केयर फ्री लुक, लेकिन लॉस्ट मीन्स खो देना, मीन्स गायब हो जाना, चिंता मुक्त होना जो था ना वो गायब हो चुका था साहेब के चेहरे से। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर, द स्टील कनिस्टर की स्टील का जो कनिस्टर है, जो जार है, वो सीम्स प्रतीत होता हैवियर, भारी, देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की तुलना में, तो स्टील का जो कनिस्टर है वो प्लास्टिक बैग की तुलना में ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। यहाँ पर प्लास्टिक बैग के बारे में बताया गया है, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर ही शोल्डर्स, जिसे वह अपने कंधों पर हल्के से आराम से उठाया करता था, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, प्लास्टिक बैग की। द बैग वाज हिज, जो बैग था वो उसी का था, मीन्स जो प्लास्टिक का बैग था वो साहेब का था। आगे बताया गया है, द कनिस्टर, जो यहाँ पर जो जार है, बिलोंग टू द मैन, वो आदमी से संबंधित है, हु द टी शॉप, जो कि उस चाय की दुकान
का मालिक है। तो यहाँ पर जो स्टील का जार है ये किसका है? चाय की दुकान का जो मालिक है ये उसका है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब यहाँ पर साहेब जो था वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। तो यहीं पर जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है साहेब की वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकेंड जो स्टोरी है मुकेश की वो देखेंगे। थैंक यू।